नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सेठ, सीनियर पीडियाट्रिशियन, मेडिकल डायरेक्टर, चाइल्ड हेल्थ और डेवलपमेंट सेंटर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। छोटे बच्चे जो 4 महीने से छोटे होते हैं, उन्हें अगर बहुत गैस होती है या कई बार आपने देखा होगा बच्चे रोने लगते हैं, तो उस रोने को क्राइंग को कॉलिक कहते हैं। जनरली ये कॉलिक जब डिफाइन किया जाता है जब बच्चा 2 से 3 घंटे से ज़्यादा रोता रहे और हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन तक इस तरह के एपिसोड्स होते रहे। इसके कई कारण हैं, लेकिन कोई एक विशेष कारण मेडिकल कम्युनिटी ने पिन पॉइंट नहीं किया है। ये इसलिए हो सकता है कि अगर बच्चे को कोई इमेच्योरिटी हो इंटेस्टाइन की, उसके नर्वस सिस्टम में कोई इमेच्योरिटी हो। कई बार बच्चा चिड़चिड़ा वैसे ही होता है और पेट में अगर गैस ज़्यादा हो, कई बार ये काउस मिल्क एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इडियोपैथिक होते हैं, यानी कि कॉलिक का कारण नहीं पता होता क्यों हो रहा है। तो इस तरह के बच्चे बड़े फजी होते हैं, इरिटेबल होते हैं, कई बार दूध छोड़ रहे हैं, कई बार उल्टी कर रहे हैं, कई बार उनका फेस बड़ा फ्लश्ड हो जाता है और ये देख के माएँ बहुत नर्वस हो जाती हैं। तो मैं सब मदर से यही कहूँगा कि आप नर्वस ना होइए, ये एक पासिंग फेज है बच्चे के। जब बच्चा 3 या 4 महीने से बड़ा हो जाता है तो ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। इसमें आपको बस ये करना है कि अगर आपके बच्चे को गैस या इस तरह के एपिसोड्स कॉलिक के आते हैं, तो बच्चे को ऊपर करके थपथपी दें, बर्फ करें, बच्चे को जितना कंफर्ट केयर दे पाएं। आप अगर वो बच्चा रो रहा है, देख लीजिए उसने कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं किया हो, वो चिड़चिड़ा किसी और कारण भी हो सकता है और आप सोच रही हो कि ये सिर्फ कॉलिक ही हो रहा है, तो बर्फ करने से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ठीक हो जाते हैं। कई बार बच्चा हंगर मतलब भूखा होता है तो उसको दूध आप पिला दें अपना, तो उससे भी रिजॉल्व हो जाते हैं। कई बार आप रॉक करें, कई बच्चे के साथ मूव करें, वॉकिंग करें, उसे स्ट्रोलर में ले जाएं, उसे कार में राइड में ले जाएं, उससे भी ये चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती हैं। जल्दी दवा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके बहुत स्वेल्स बार बार हो रहे हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर को दिखाएं और उसके लिए वो दवा होती है गैस और कॉलिक की, वो आपको देंगे।